एसएसपी कार्यालय पर मृतक बच्चे के पिता ने अपने परिवार के साथ बैठा धरने पर। संभल थाना कोतवाली क्षेत्र के सहलिया अब्दाल नगर निवासी गफ्फार पिता इब्राहिम पहले गांव से पलायन कर रहा था। पलायन करने की मजबूरी क्या थी, 3 माह पहले 14 जून को जुनैद का शव कई टुकड़ों में मिला था। गफ्फार ने जिसके खिलाफ तहरीर दी थी, पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जब गफ्फार अधिकारियों से तंग आ गया, तभी उसने गांव से पलायन करने का मन बना लिया। गांव से पलायन करने का पता पुलिस प्रशासन को जब जानकारी मिली तो प्रशासन मौके पर पहुंचकर गफ्फार को समझाया और पलायन रुकवा दिया। गफ्फार की पत्नी अपनी जिद पर अड़ी थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। पुलिस ने 7 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि 6 आरोपियों को छोड़ दिया, लेकिन 1 आरोपी अभी बंद है। पुलिस ने हत्या का मामला अभी तक दर्ज नहीं किया। मृतक के पिता गफ्फार ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग लगातार काफी दिनों से इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है और आज हम धरने पर बैठे हैं। जब तक पुलिस द्वारा अपराधियों को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। योगी सरकार में पीड़ित परिवार को कब मिलेगा इंसाफ? क्या नाम है आपको? अब्दुल गफ्फार। अच्छा, जैसे आप इस समय एडिशनल ऑफिस पर बैठे हो, तो क्यों बैठे हो, किस क्या मामले? 3 महीने हो गए सर, हर जगह सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, ठोकरे खाते खाते हमें 3 महीने हो गए। जो भी अधिकारी पूछता बोले बयान दो, ये दो और वो दो। नहीं, आपके साथ क्या घटना घटी है पूरा मामला? हमारा बच्चा मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, घर से उठाया, टंकी पे पहुंचा, टंकी पे जो ट्रैक्टर के नीचे दबा दिया गया, दबाने के बाद में उसका टैटू लगा दिया, टैटू लगाने के बाद में गर्म जाल में दबाया उसे मलबे में, फिर जो मक्का खेत में फेंक दिया गया। हमने नाम दर्द रिपोर्ट भी लिखाई इनकी। नहीं, आपने नाम दर्द कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट? 4 लोगों के नाम लिखा है उसमें। कौन कौन थे वो? गुड्डू था, भूरा था, चद्दा है और भरुए है। तो इन 4 के खिलाफ आपने रिपोर्ट लिखाई, मुकदमा पंजीकृत हो गया आपका? नहीं करा किसी ने, यही सवाल जवाल करते हैं हमसे, बयान लेते हैं और पुलिस ने जो पैसा खा रखा है हम तो बयान लेते हैं और पैसा कहते हैं इनकी तहकीकात चल रही है केस के तुम्हारे। अच्छा, कुछ दिन पहले एक प्लान की खबर हो रही थी कि आपके द्वारा गांव से प्लान किया जा रहा था, वो क्या था? साहब, घर जा रहे थे हम तो पुलिस पहुंची वहाँ पे, पुलिस ने हमें रोक लिया गया, बोले तुम्हारे साथ में जो पूरा कार्रवाई करी जाएगी तुम्हारी, जो मुलजिम उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद में छोड़ देती है, पैसे ले लेती है उनसे, छोड़ देती है। अच्छा, उस समय कितने लोग पकड़े थे पुलिस ने? 6 लोग पकड़े थे, नहीं 6 पकड़े थे। फिर क्या हुआ? उनको पैसे ले लेके छोड़ देती है पुलिस। अब आप जो यहाँ एडिशनल साहब के यहाँ आए हो, तो आपके एडिशनल साहब से बात हुई नहीं भी? एडिशनल साहब से बात हुई तो बोले इन्होंने यही बोल दिया, बोले इंक्वायरी होगी, इसकी तहकीकात होगी, जांच पड़ताल करेंगे इसकी। अब जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं जांच पड़ताल होगी, तो कहाँ 3 महीने हुए जांच पड़ताल हो, तो वो बताओ कहाँ तक क्या करें। अच्छा, अगला क्या कदम है आपका, क्या करना? अब कदम क्या, हम तो हैं धरना लेंगे, हैं या तो यहीं रहेंगे, यहीं मारेंगे हम तो, अब कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ धरने में कब तक बैठोगे आप? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा यहाँ से, जब तक ये मुलजिम जेल नहीं जाएंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से।